जिला निर्मल पासवान ने घंघा थाने में सोनिया गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने युवक ऋषिकेश के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया। घर से नाराज होकर निकली बच्ची कौड़ी राम पहुंच गई पास गांव। घर से नाराज होकर निकली बच्ची कौड़ी राम पहुंच गई। चौराहे पर ड्यूटी कर होमगार्ड सतीश उपाध्याय ने पूछताछ किया तो बच्ची घबरा कर रोने लगी। काफी सांत्वना देने के बाद बच्ची ने अपना नाम अंशिका पुत्री दीपक ग्राम बुलाई गाडा भावा पार बताया। होमगार्ड ने आसपास के लोगों के माध्यम से घर वालों तक सूचना पहुंचाया। परिजनों ने बताया कि घर में बच्चों के आपसी झगड़ा करके वह निकल गई। घर के लोग परेशान होकर तलाश कर रहे थे। सूचना पाकर कौड़ी राम पहुंचे लड़की के चाचा ने सतीश उपाध्याय को धन्यवाद किया। एक जेसीबी मशीन एवं मिट्टी धुलान में लगे तीन ट्रैक्टर टाली को सीज किया। बासगांव थाना क्षेत्र के ग्राम भैंसी में अवैध मिट्टी खनन की शिकायत पर उप जिलाधिकारी पंकज दीक्षित एवं सीओ बासगांव ने मंगलवार की रात एक जेसीबी मशीन एवं मिट्टी धुलान में लगे तीन ट्रैक्टर टाली को सीज करते हुए पकड़कर बासगांव थाने परिसर में खड़ा करा दिया है। वहीं चौकी प्रभारी कौड़ी राम ने भी एक जेसीबी एवं ट्रैक्टर टाली को पकड़ने का दावा करते हुए उसे एमवी एक्ट की धारा 207 में सीज करते हुए जेसीबी मालिक पर मुकदमा दर्ज कराया है। थाना बासगांव द्वारा नाबालिग के साथ छेड़खानी के आरोप में अभियुक्त विकास मिश्रा उर्फ अंकित पुत्र विजय प्रताप निवासी कैतवलिया थाना बासगांव जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। यथा मुकदमा संख्या 7420 धारा 354 504 भादवी व 78 501 व 67-2 IT Act। बैंक कर्मी से 6000 रुपए की लूट बढ़लगंज। क्षेत्र के संसार पार गांव में अपनी ससुराल आ रहे बैंक कर्मी को टेढ़िया बंधे के पास पल्सर सवार बदमाशों ने मारपीट कर 6000 रुपए लूट कर फरार हो गए। बैंक कर्मी राज बहादुर सिंह ने घटना की सूचना कोतवाली पुलिस को दे दी है। संत कबीर नगर के कोतवाली खलीलाबाद थाना अंतर्गत कांटे पुलिस चौकी के समीप बुधवार को एक एलपीजी टैंकर अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलट गया। दुर्घटना में ड्राइवर खलासी घायल हो गए। गनीमत रही कि दुर्घटना के बाद एलपीजी टैंकर में गैस का रिसाव शुरू नहीं हुआ, अन्यथा बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। बासगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बासगांव द्वारा गठित रैपिड रिस्पांस टीमों द्वारा आज बासगांव ब्लॉक के 13 गांव के स्कूलों में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर पर जाकर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, लखनऊ, प्रयागराज, सहारनपुर, बंगलौर एवं मध्य प्रदेश से आए हुए 20 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें स्वस्थ पाए जाने पर उन्हें क्वारंटीन सेंटर में ही 14 दिन क्वारंटीन में रहने को कहा गया है। टीमों में डॉक्टर जेपी वर्मा, डॉक्टर अनुराग त्रिपाठी, उमेश कुमार, मदन, प्रभात कुमार सिंह, दीपक कुमार सिंह, रंजीत, रमेश सिंह एवं राकेश चंद शामिल रहे। थाना सिकरीगंज क्षेत्र में जांच करने पहुंची विपिन कुमार की टीम, साथ में क्षेत्राधिकारी योगेंद्र कृष्ण नारायण व थानाध्यक्ष जटा शंकर जी, बनकटा तथा बारी गांव सहित कई गांव में निरीक्षण किया गया। कोरोना वायरस की महामारी को देखते हुए कई गांव को सील किया गया तथा हिंदू मुस्लिम का जो झगड़ा हुआ था उसका निरीक्षण करने पहुंचे प्रशासन ने स्थिति का जायजा लिया। समाज सेवी मनीष जायसवाल द्वारा कई दिनों से बांटा जा रहा सैनिटाइजर लोगों ने सराहा। नगर पंचायत गोला निवासी समाज सेवी मनीष जायसवाल ने कोरोना योद्धा के रूप में लोगों को जागरूक किया। इस क्रम में वार्ड नंबर 9 में घर घर पहुंचकर 300 लोगों को सैनिटाइजर, मास्क व हाथ धोने का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए गाँव में वितरण किया गया मास्क। गोला विकास खंड के ग्राम सभा खोपाबाद स्थित पंडित राम बलि मिश्रा बालिका विद्या मंदिर जूनियर हाई स्कूल के प्रबंधिका श्रीमती शशि प्रभा पांडे द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण फैल रही महामारी के बचाव के लिए ग्रामीणों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए 300 मास्क वितरण किया गया। साथ ही लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के साथ साथ घरों में रहने के लिए भी जागरूक किया। इस अवसर पर अनुरुद्ध मौर्य, राम उजागिर मौर्य, सितेश कुमार, सुनील कुमार सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते के स्वयं सेवक व सेविकाएं अपने सामाजिक दायित्व का कर रहे हैं निर्वहन। गोला
सेंट्रल ड्यूज कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना के महिला तथा पुरुष इकाई सदैव की बात इस कोरोना महामारी में सामाजिक सेवा में अपने दायित्व को निभा रहे हैं। कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर रेवरेंड प्रोफेसर जेके लाल द्वारा फेसबुक व व्हाट्सएप के माध्यम से कोविड 19 से बचाव हेतु सूचना तथा अपीलों का प्रसारण किया जा रहा है। वहीं कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सुनीता पाटर घर पर सूती कपड़ों की सहायता से मास्क बनाकर स्वयंसेवकों को प्रदान कर रही हैं। अधिकारी डॉक्टर पूजा, डॉक्टर जेके पांडे, डॉक्टर दीपक सिंह, नोडल अधिकारी डॉक्टर जेपी यादव व डॉक्टर सोएब अंसारी स्वयंसेवकों के साथ डेटॉल, हैंडवाश, साबुन व खाने पीने का टीम ने अन्य प्रदेश से आए लोगों का जांच कर किया क्वारंटीन। गोला ब्लॉक के झरकटा गांव में 3, अबरुस में 3, गाजेगढ़ा में 3, बरपार में 2, बेलपार में 1 लोगों को प्राथमिक विद्यालय पर और वहीं नगर पंचायत गोला में वार्ड नंबर 8 में 2, अतरौला में 1 लोगों जो दूसरे प्रदेश से आए हैं उनका स्वास्थ्य विभाग की रैपिड रिस्पांस टीम ने उन सदस्यों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। उनमें कोरोना बीमारी का कोई लक्षण नहीं मिला। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोला के अधीक्षक डॉक्टर योगेंद्र सिंह, डॉक्टर एपी मिश्रा, डॉक्टर हर्ष पांडे, डॉक्टर सितारा सिंह, बीपीएम राज गौरव सिंह, सोनू श्रीवास्तव, सोनी वर्मा, मनीषा, अतुल राज, मिराज अहमद आदि शामिल रहे। टीम ने मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म साहिल तिवारी। चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस युवा नेता साहिल विक्रम तिवारी का कहना है कि मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म होता है। असहाय जरूरतमंदों को इस कठिन परिस्थिति में भूख मिटाने के लिए रोटी खिलाना और प्यासे को पानी पिलाना ईश्वर सेवा के समान है। आगे कहना है कि गोरखपुर तहसील क्षेत्रों में पहुंच करके कम्युनिटी किचन के माध्यम से अधिक संख्या में लोगों को भोजन कराया गया। हम लोगों का प्रयास है कि निरंतर लोगों को भोजन कराया जाए। साथ ही संकट की घड़ी में लोगों से अपील है कि आप अपने घरों में रहें और सामाजिक तरना की खुदाई से किसानों की सौरेगी तकदीर। बड़हलगंज ब्लॉक के पूरे हिस्से में तरना नाले की खुदाई जेसीबी से चल रही है, जिसके तहत जहां नाला गहरा है वहां कम गहराई में तथा जहां छिछला है वहां अधिक गहराई में खुदाई का काम तेजी से चल रहा है। बीच में लॉकडाउन में कुछ दिनों तक काम बंद रहा, परंतु 20 अप्रैल से मिली छूट के बाद पुनः आरम्भ हुआ है, जिससे किसानों में हर्ष व्याप्त है। पूर्व मंत्री राजेश त्रिपाठी सहित सभी भाजपा कार्यकर्ता एवं अन्य किसानों में इसके प्रति भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री और सिंचाई मंत्री के प्रति आभार प्रकट किया है। युवाओं का उद्देश्य है कि इस संकट की घड़ी में कोई भूखा न सोए। चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र के टाणा गांव निवासी युवा नेता आलोक तिवारी ने आज 32 दिनों से नर सेवा नारायण सेवा की भावना से निरंतर सेवा ही उद्देश्य का संकल्प लिए युवा वर्ग के लोगों ने गरीब असहायों को भोजन का पैकेट बनाकर बांट रहे हैं। आज करीब 300 लोगों के लिए भोजन तैयार करके छपियां, साउखोर, बेदौली, लाखनपार, सिधुआ पार, संसार पार, बड़लगंज, मुक्तिपथ आदि जगहों पर पहुंचकर जरूरतमंद लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए भोजन का पैकेट वितरण किया। इस दौरान अरविंद तिवारी, बीना कुमार ओझा, निधु सत्यम तिवारी, निर्भय शुक्ला, अभिषेक मिश्रा, सौरभ मिश्रा, आदित्य तिवारी आदि मौजूद।